नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज आपको मुरकू यानी कि चकली सिखाने जा रही हूँ, जो महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। और ये बहुत सिंपल रेसिपी है। इसमें हम आटा स्टीम करेंगे और चकली बनाएंगे। जब हम आटा स्टीम करते हैं तो हम गेहूं का आटा और बेसन यूज़ करेंगे, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है और इजीली अवेलेबल है। और इसको जब हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही कम तेल एब्जॉर्ब करती है। और इसमें हमने बहुत ही कम, बिल्कुल 1 टीस्पून मोयन डालना है। तो चलिए, आज बहुत ही न्यूट्रिशियस, डिलीशियस, क्रंची एंड क्रिस्पी हम मुरकु सीखेंगे। आज हम चकली बनाने जा रहे हैं और ये आटा हम स्टीम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया हुआ है गेहूं का, ये करीब 8 कप है, और बेसन लिया हुआ है वो करीब 2 कप है। तो हम 1:4 प्रपोर्शन में लेंगे, 1 बेसन और 4 आटा। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 बेसन लिया हुआ है, इसलिए मैंने 8 कप आटा लिया हुआ है गेहूं का। अब इसको हम मिक्स करेंगे और एक पोटली में बांध के इसको हम स्टीम करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको स्टीम कैसे करना है। ये एक बैग है कॉटन की, देखिए कॉटन की बैग है प्रॉपर। ये मैंने बना के ही रखी हुई है। जब भी मैं चकली बनाती हूँ तो इसमें मैं आटा डालूंगी। अब मैंने ज़्यादा प्रपोर्शन लिया है, आप कम ले सकते हो। 1:4 लेना है, 1 बेसन और 4 आटा। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और इस बैग को अभी हम बांध लेंगे, ऐसे हल्का सा ऐसे हम इसको बांध लेंगे। अब इसको मैं स्टीम करने के लिए बड़े बर्तन में रखूंगी। ये मैंने बड़ा बर्तन लिया है, इसमें काफ़ी सारा पानी डाला है क्योंकि हमें पोटली को अभी 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसके पहले मैं एक बर्तन रखती हूँ ताकि छाननी को नीचे से पानी नहीं लगेगा। और इस बर्तन में भी मैंने पानी रखा है ताकि जो स्टीम बनेगी ये बर्तन में भी स्टीम बनेगी और पानी की कमी नहीं होगी। इसके ऊपर हम छाननी रखेंगे। छाननी ऊपर ही है, देखिए पानी नहीं है छाननी में, पानी नहीं लग रहा है छाननी को। छाननी को पानी नहीं लगना चाहिए। और इसके ऊपर अब मैं ये पोटली रखूंगी। अब इसको मैं 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। इसको मैं कवर कर रही हूँ, ये लीड बहुत टाइट नहीं है तो स्टीम धीरे धीरे बाहर जाती है। अगर आपने कुकर में रखा तो कुकर में विसल नहीं लगाओगे, आप लीड लगा दोगे बिना विसल के। अगर बड़े बर्तन में रखा है तो उसको ऐसे ही ढक के आपको रखना है। तो इसको अभी हम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने गैस से ये बर्तन को नीचे उतार लिया है। इसको खोलते हैं अभी हम। पोटली रेडी है हमारी, गरम है पर गरम ही हमें इसको उठानी पड़ेगी अब ये। और इसको हम अभी ऐसे ही बर्तन में डालेंगे। इस पोटली को अभी हम खोलेंगे। देखिए ये आटा तैयार है, इसका एक बहुत बड़ा सा पत्थर जैसे बन जाएगा ये। अब इसको हम तोड़ेंगे और छानेंगे, इसको तोड़ के ही हमें छानना है। इसको ऐसे तोड़ेंगे हम और थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे। ये थोड़ा मेहनत का काम है और 2 लोग अगर है तो बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि ये आटा जैसे जैसे ठंडा होगा ये गाढ़ा बनते जाएगा, ये और कड़क बनेगा। पूरा आटा ऐसे लेके इसको हम बारीक करेंगे और इस छाननी में डाल के छानेंगे। तो क्या होगा, जो बारीक आटा है वो नीचे चला जाएगा और जो मोटा है वो ऊपर रह जाएगा। इसको भी हमको बारीक करना है। अगर ये हाथ से बारीक नहीं होता है तो हम इसको मिक्सी में डालेंगे, मिक्सी के छोटे पॉट में डालेंगे और घुमा लेंगे। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, अगर गाढ़ा भी रह गया तो। साथ साथ में हम जैसे इसमें डाल के इसको बारीक करते रहेंगे, और नहीं होता है तो फिर लास्ट में हम उसको मिक्सी में डालेंगे। बट ये मत सोचना कि सारा ही आटा आप मिक्सी में करो, वो हो नहीं पाएगा। अब ये ऐसे जैसे हम इसको कर रहे हैं मिक्स, तो इसमें बेसन और गेहूं का आटा अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। तो ऐसे भी ये आटा तैयार हो जाएगा हमारा। सारा ही आटा मैं अब कर लूँगी। अब जो ये थोड़ा सा बचा है मोटा, इसको हम मिक्सी के पॉट में डाल के बारीक कर लेंगे। इस आटे को अभी हम धूप में सुखाने के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इस आटे को आप 8 महीने भी स्टोर कर सकते हो, अगर अच्छे से आपने धूप में सुखाया है तो। बिल्कुल कीड़ा नहीं पड़ेगा इसमें और आप जब मन है तब इसको यूज़ कर सकते हो, ये इसका बहुत एक बड़ा एडवांटेज है। जैसे हम चकली बनाते हैं, चकली या मुरकू, तो बहुत लोग आटा पहले गेहूं या दाल सब भून लेते हैं
और फिर उसकी मुरकू या चकली बनाते हैं। बट इसमें हमें वो सब प्रोसेस नहीं करना है, इसमें हमें स्टीम करना है। और स्टीम वाली चकली बिना तेल की, मीन्स इसमें अभी हम जब चकली बनाएंगे तो इसमें हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम ठंडे पानी से भिगोएंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो ये एक एडवांटेज इसका बहुत बड़ा है। चकली बनाने के लिए हमें चाहिए 4 टेबल स्पून अदरक, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च की पेस्ट, इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है, इससे टेस्ट बढ़ती है। हमें चाहिए 2 टीस्पून हल्दी, 4 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 से 3 टीस्पून लाल तीखा पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून अजवाइन और 3 से 4 टीस्पून हमने तिल लिए हुए हैं। ये प्रपोर्शन आप अपने स्वादानुसार भी चेंज कर सकते हो। सारे मसालों के साथ हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। हम ऑयल बहुत कम डालेंगे, हम देख के डालेंगे, क्योंकि अगर ऑयल हम डालते हैं तो चकली टूट जाती है, उसके पीसेस पड़ने लगते हैं, इसलिए ऑयल हमें बहुत ही कम डालना है। ये आटा जो हमने बनाया है ये 5 मेजरिंग कप है। अभी हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से सारे आटे में मिक्स हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया मुरको बनते हैं। थोड़ी मेहनत इसमें जो है, जो हम आटे को स्टीम कर रहे हैं, कोई ख़ास मेहनत है नहीं। मसाला डालो, आटा गूंदो और मुरको तैयार। इसमें अभी ये मैंने तेल डाल रही हूँ, हमने बिल्कुल 1 टेबलस्पून ही तेल डालना है। ज़्यादा तेल डालने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अभी हम ठंडा पानी डालेंगे, जो नॉर्मल पानी होता है वही डालेंगे हम, और अच्छे से मिक्स करेंगे। मार्केट में ये चकली बनाने का साँचा आता है, जो हम मुरकू भी बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी आटा डाल दिया है, ऐसे गोले बना के हम इसमें आटा डालेंगे और इसको दबा देंगे। थोड़ा ऊपर अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको निकाल लेंगे। ये मैंने अभी ऐसा रखा है, इसका ये ऊपर का नोज़ल प्रेस करके हम नीचे इसको लेके जाएंगे और इसको फिक्स करेंगे। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अभी मैं आपको चकली बनाना सिखाऊंगी। इसको प्रेस करेंगे या अपने आप ऐसे नीचे आएगा, ज़्यादा हमें घुमाना नहीं है, बिल्कुल हल्का। देखिए मेरे हाथ के तरफ बहुत हल्का मैं घुमा रही हूँ इसको, यहाँ से तोड़ के यहाँ पे इसको चिपका देंगे। ये प्लेट में हम इसलिए बनाएंगे ताकि इसका शेप भी बहुत अच्छा आएगा और गरम तेल में डालने में हमें बहुत आसान हो जाएगा। जिस साइज़ की आपको चकली चाहिए या मुरकू चाहिए, उस साइज़ का आप बनाओगे। अगर छोटा चाहिए तो देखिए ये छोटा बनेगा, इससे भी छोटा चाहिए तो ये इतना ही बनेगा। ये आप पे निर्भर करता है कि कितना साइज़ आपने बनाना है। बहुत बड़ा भी मुरकू बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि दिवाली में इतने सारे आइटम्स होते हैं खाने के लिए, तो थोड़ा मीडियम साइज़ बनाएंगे तो लोग खा भी पाएंगे। अभी एक एक करके हम चकली तलेंगे। तेल काफ़ी सारा है तो मैं इसमें ज़्यादा चकली डाल सकती हूँ। गैस हमारा मीडियम पे है और धीरे धीरे करके हम एक एक चकली डालेंगे। गैस मीडियम पे ही रखेंगे, गैस हाई नहीं करेंगे। जब हम चकली उसमें डाल रहे हैं तो तेल ऊपर आ जाता है, इसलिए कढ़ाई पूरा भर के नहीं डालेंगे और हम मीडियम पे ही गैस रखेंगे, क्योंकि ये चकली बनने में अगर आप मीडियम पे गैस रखते हो तो चकली बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अगर आप हाई पे गैस रख के करने की कोशिश करोगे तो आपकी चकली अच्छी नहीं बनेगी। इसको पलटाएंगे। चकली को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है जब तक वो कड़क नहीं होती, एक तरफ से उसको पकने देना है। अगर हम बीच में हाथ लगाएंगे तो मुरकू टूट जाएंगे, हमारी चकली टूट जाएगी। इसको भी हम पकने देते हैं। चकली हमारी तैयार है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। थोड़ा हम इसको साइड में ले लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाएगा नीचे। गैस स्लो कर दीजिए। ये चकली का बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल इसमें ऑयल नहीं जाता है। अब देखिए कढ़ाई में हमने जितना ऑयल डाला था उतना ही करीब ऑयल अभी बचा हुआ है। चकली बहुत ही टेस्टी और फ्लेकी बनी हुई है। एक तो ये न्यूट्रिशियस है ही, बट इसमें बहुत ही तेल कम एब्जॉर्ब होता है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और बहुत ही घर में आसानी से ये बन जाती है, तो आप ज़रूर बनाइए। और ये रेसिपी कैसे लगी आपको,
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी डालिए, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।